टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। इससे लास्ट टॉपिक में हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड एरियल हैबिटेट्स। तो आज हम एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू एडजस्ट देम सेल्फ टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है कि द अवेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी अवेबिलिटी है, जरूरतमंद की चीज़ें हैं, टू एडजस्ट देम सेल्फ, और अपने आप को जिन जरूरत की चीज़ों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जिस क्षेत्र में जैसे कोई भी जानवर है, उसकी जरूरत की चीज़ें उसे वहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं और वहाँ पे एडजस्ट कर पा रहा है, उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। इन रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एन ऑर्गेनिज्म ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इट्स बॉडी एंड मेक इट सुइटेड टू द एनवायरनमेंट। इन रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में और उसको फंक्शन में वहीं के टाइप के चेंजेज हो जाते हैं। मीन्स कहने का ये है, जैसे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है कहीं ठंडे प्रदेश में रह रहा है या ठंडी जगह पे रह रहा है, तो वो उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, उसमें रहने के लिए अपने आप को कर लेता है और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसी की तरह, उसी जगह की तरह डेवलप होगा और उसी की तरह के वहाँ के उसकी कंडीशंस होंगी। Thus the adaptation are special character developed in organism that are enable them to survive successfully in a particular environment. Thus इस प्रकार adaptation is are the special characteristic developed in organism. Adaptation एक ऐसा special प्रकार का characteristic है, means character है आपका, जो कि development करता है organisms के अंदर, unable to survive them सक्सेसफुली इन अ पर्टिकुलर एरिया, और उनको उस एक पर्टिकुलर एरिया में उनको रहने के लिए बाध्य करता है, सक्सेसफुल बनाता है, उसमें वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकते हैं। एडेप्टेशन एक ऐसा प्लेस है, हम कह सकते हैं कि एडेप्टेशन में एक जो जानवर है अपने आप को रहने के लिए खाने पीने की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं और वो अपने आप को वहाँ पर कम्फर्ट महसूस करता है। तो ये सब हमारा एडेप्टेशन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। अब बात करते हैं अडेप्टेशन के बारे में, तो जान लिया कि अडेप्टेशन क्या है हमारा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया है उसने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो है दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल। अब हमारा जो अडेप्टेशन है वो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन आर द चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में क्या होता है कि जो जानवर की जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर लिम्स इन बर्ड्स मॉडिफाई इनटू विंग्स, फिन्स इन फिश डेवलप फॉर मूविंग थ्रू वाटर। जैसे कि हमारे जो भी पक्षी हैं उनके अंदर हमारे जैसे जो पंख हैं वो आ जाते हैं, और जो फिश हैं आपकी उसमें वो डेवलप होती हैं जिससे कि वो वाटर में मूव कर सकें। साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है, यानी कैसे, जैसे स्ट्रक्चरल से मीन्स है जैसे बॉडी के अंदर जो भी बदलाव हो रहा है तो वो तो हमारा स्ट्रक्चरल में आता है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में। और साइकोलॉजिकल क्या है, साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन आर द चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ सम ऑर्गेन्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके फंक्शन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, उसको हम साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो हमारा था अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब उनके डिटेल में बात करते हैं कि अडेप्टेशन इन एनिमल के का जो अडेप्टेशन है वो किस तरह से होता है, किस तरह से उनका रहन सहन होता है, किस तरह से वो रहते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। अडेप्टेशन इन एनिमल्स आर अडेप्टेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। दिस टाइप ऑफ अडेप्टेशन इन एनिमल्स इनेबल देम टू लिव इन their habitat successfully to carry on reproduction. Adaptation in animal are of the following types. जो जानवर हैं हमारे, जिस
जगह पे वो रह रहे हैं जिस तरह का उनका हैबिटेट है उनके अंदर उसी के टाइप का उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो एक्टिविटियाँ हैं उनकी बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, उसी के हिसाब से रहती हैं, उसकी अपने आप को उसी के माहौल में वो ढाल लेते हैं जिस तरह के वो उसमें रहते हैं। और इस तरह का जो अडेप्टेशन जो होता है वो उनको वहाँ पर रहने के लिए सफल बनाता है, वहाँ पर वो आसानी से रह सकते हैं और वो वहाँ पर अपना जो रिप्रोडक्शन है वो भी आसानी से करते हैं। और इस तरह के अडेप्टेशन को हम अडेप्टेशन इन एनिमल बोलते हैं। अडेप्टेशन जो है हमारा दिया गया है आपका, तो यहाँ अडेप्टेशन इन एनिमल आर द फॉलोइंग टाइप्स, तो अडेप्टेशन के टाइप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला दिया गया है टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में जाना था हमने लास्ट टॉपिक में, अपने लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या है। ऐसे हैबिटेट्स जो कि लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनको हम क्या बोल रहे थे, टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ भी टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पे हैबिटेट्स था तो रिलेटेड उसी से है। एक्वेटिक अडेप्टेशन है, वहाँ भी हमने एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम एक्वेटिक अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ भी यहाँ थर्ड है आपका पॉइंट एरियल अडेप्टेशन और वहाँ भी हमने एरियल हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। तो टॉपिक वही है, सेम ही है, लेकिन यहाँ क्या है, एनिमल से रिलेटेड है, अडेप्टेशन से रिलेटेड है, वहाँ पे हमारा हैबिटेट से रिलेटेड था, तो सेम ही टॉपिक है। चलिए तो बात करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन क्या है उसके बारे में। द एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि हमारे धरती पे रहते हैं आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। सच एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू लिव सक्सेसफुली इन डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स सच एज डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इस तरह के जो जानवर हैं अपने आप को अडेप्ट करते हैं सक्सेसफुली, आसानी से ये यहाँ ऐसे जगह पे रह सकते हैं जैसे कि हमारी जगह दी गई है, जैसे डेजर्ट में है, माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट में एंड ग्रासलैंड में। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन हमारा ऐसा अडेप्टेशन है जहाँ पे जो जानवर हैं वो धरती पे रहते हैं और आसानी से वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो ये हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन में जो टॉपिक्स दिए गए हैं हमारे, डेजर्ट है, माउंटेन है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड है। तो अब उनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि डेजर्ट जो है वहाँ पे किस तरह से जो जानवर हैं वो रहते हैं और किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन का डेजर्ट। तो डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। डेजर्ट हमारा क्या है, डेजर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड हैबिटेड विद स्पेशल इन्वायरमेंट। डेजर्ट एक ऐसा पार्ट है हमारा लैंड हैबिटेट का जो कि एक स्पेशल इन्वायरमेंट का होता है। द सोइल इन द डेजर्ट इज सैंडी एंड ड्राई, और यहाँ की जो सोइल होती है, मिट्टी जो होती है वो हमारी सैंडी एंड ड्राई होती है। क्लाइमेट इज़ हॉट ड्यूरिंग डे, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो दिन के समय में, दिन के दौरान वो बहुत गर्म रहती है, एंड कोल्ड एट नाइट, और रात के समय में ठंडी होती है। द सोइल एंड एयर बोथ आर ड्राई, यहाँ पर दोनों के दोनों, जो सोइल है हमारी और जो एयर है, दोनों के दोनों ड्राई होते हैं। डेजर्ट हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन, और जो डेजर्ट में हमारा बहुत कम वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन से मीन्स वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। डेजर्ट प्रोवाइड लिटिल शेल्टर फॉर लार्ज एनिमल फ्रॉम द सन। डेजर्ट में क्या होता है कि जो हमारे लार्ज एनिमल जो हैं उनको बहुत कम छिपने के लिए या रहने के लिए, शेल्टर करने के लिए बहुत कम जगह मिलती है इन द सन या फ्रॉम द सन। जो सूरज की जैसे गर्मी होती है तो उससे बड़े बड़े जो जानवर हैं उनको शेल्टर करने के लिए जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पे हमारे पेड़ ही बहुत कम है, पेड़ पौधे नहीं है। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल आर इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर मैमल्स। और अधिकांशतः जो डेजर्ट के जो एनिमल जो आपको मिलेंगे वो हैं आपके इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड स्मॉलर मैमल्स, और छोटे छोटे जो मैमल्स होंगे वो मिलेंगे आपको। सम एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट रिमेन इन एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। और अधिकांशतः सम जो कुछ जो एनिमल हैं हमारे, कुछ एनिमल जो हैं डेजर्ट में मिलने वाले हैं, दिन के दौरान तो वो इनएक्टिव रहते हैं, मीन्स वो कोई भी काम नहीं करते हैं, मीन्स कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, और रात के समय में वो एक्टिव रहते हैं। जैसे कि क्योंकि गर्मी दिन के दिन समय में क्या होता है, गर्मी काफ़ी होती है, तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, बिल्कुल शांति से अपने जहाँ पर वो रह रहे हैं उसी जगह पर रहते हैं, और रात के दौरान वो अपना काम करते हैं, मीन्स जैसे भी उनको मूवमेंट करना है या जो भी है तो वो रात के दौरान करते हैं जो भी एक्टिविटी करनी है उसको। दिस इज़ जस्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। इससे क्या फ़ायदा होता है इनको कि इनकी बॉडी के अंदर से जो लॉस ऑफ वाटर है गर्मी की वजह से, उनके अंदर से
वो ख़त्म होने से बच जाता है। द एनिमल्स दैट सो दिस एडेप्टेशन आर कॉल्ड नॉक्टर्नल। इस तरह के जो जानवर होते हैं जो इस तरह के एडेप्टेशन में रहते हैं उसको हम नॉक्टर्नल के नाम से जानते हैं। नॉक्टर्नल का मीन्स होता है ऐसे जानवर जो कि रात के दौरान अपना जो एक्टिविटी करते हैं उनको हम नॉक्टर्नल के नाम से जानते हैं। द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक लिजार्ड स्नैक्स मॉस्किटो आर नॉट एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम्स। जो हमारे कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स हैं लिजार्ड है हमारा स्नैक्स है मॉस्किटो है ये दिन के दौरान हमारे एक्टिव नहीं रहते। इन समर्स दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट और रात के गर्मियों के समय में। इन समर्स दे आर मोर एक्टिव ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं गर्मियों के समय में ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं रात के दौरान। इन विंटर्स दे इन्जॉय द सन ड्यूरिंग द डे और सर्दियों के समय में क्या करते हैं दे इन्जॉय द सन ये सन को इन्जॉय करते हैं ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान ये सूरज को जो सूरज की जो गर्मी होती है उसको इन्जॉय करते हैं सर्दियों के समय में। दे बिकम इनएक्टिव फॉर अ सर्टेन लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज टू कोल्ड। ये जो है बहुत लंबे समय के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं जब ज़्यादा सर्दी होती है। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो क्या करते हैं ये अपने आप को बहुत लंबे समय तक के लिए इनएक्टिव कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। यह हमारा हाइबरनेशन के नाम से जाना जाता है। इसका मीन्स ये हाइबरनेशन से मीन्स है कि ऐसे जानवर जो सर्दी के कारण काफ़ी लंबे समय तक सो जाते हैं उनको हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। द एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ यूरिन आर अदर फिजिकल एडेप्टेशन इन द एनिमल्स। यहाँ के जो हमारे डेजर्ट के जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर हमारी स्वेट ग्लैंड्स का और जो हमारा यूरिन का इनके अंदर जैसे कि जब हमारी बॉडी से जब स्वेट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है या यूरिन है जब निकलता है तो उससे क्या है कि हमारा जो वाटर है बॉडी का वो एक्सट्रेट होता है। तो यहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं वो ना के बराबर जो है बहुत कम जो स्वेट है या यूरिन है बहुत कम ना के बराबर करते हैं जिससे कि इनका जो बॉडी के अंदर से जितना भी वाटर है वो वेस्ट होने से बच जाता है। केमिकल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। केमिकल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जानते हैं हम एनिमल जो कैमल है उसको। इट इज़ द ओनली लार्ज एनिमल दैट सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। यही एक ऐसा इकलौता जानवर है जो कि डेजर्ट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। इट इज़ adapted to the desert condition due to the following features। इसके ये यहाँ पे किस तरह से adapt कर पाता है किस तरह से अपने आप को रह पाता है यहाँ पे तो उसके कुछ condition दी गई हैं कुछ features दिए गए हैं जो कि आपके given below हैं आपके नीचे दिए गए हैं। तो first topic हमारा its body is covered with a rough fur of light shade to save it from bright लाइट एंड हीट। तो इसकी जो बॉडी जो होती है उसकी जो फर होती है जो स्किन होती है काफ़ी मतलब टाइट होती है काफ़ी रफ होती है खुरदुरी होती है और उसका जो शेड है उसकी बहुत लाइट होती है बहुत हल्के कलर का होता है जिसकी वजह से वो क्या है कि हीट और लाइट से दोनों से ब्राइट हीट और ब्राइट लाइट और उससे हीट से वो अपने आप को कवर कर पाता है उसकी जो स्किन है। इट्स स्किन हैज़ नो स्वेट ग्लैंड्स। इसकी स्किन में कोई भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती है मीन्स इसको कभी भी पसीना नहीं आता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं है। इट डज नॉट पेस्पायर मीन्स इसका इसको कभी पसीना नहीं आता। पेस्पायर से मीन्स है हमारा कि जिसको पसीना नहीं आता उसको हम पेस्पायर के नाम से बोलते हैं। इट ड्रिंक्स अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर। यह जो है बहुत लार्ज क्वान्टिटी में वाटर को पीता है पानी को लेता है। एंड स्टोर इट इन इट्स बॉडी और उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। इट कैन लिव ऑन द स्टोर वाटर इन द बॉडी फॉर मैनी डेज विदाउट टेकिंग एनी वाटर। ये क्या करता है कि एक जब पानी को पीता है तो बहुत सारे पानी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है और एक काफ़ी लंबे समय तक ये बिना पानी को पिए भी रह सकता है। तो ये इसकी कंडीशन है कुछ कि वहाँ पर इसको पसीना नहीं आता है इसकी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए और ये पानी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पी लेता है। तो एक जगह पानी पी लिया उसने एक बार तो काफ़ी लंबे समय तक वो पानी बिना पिए रह सकता है। कैमल फीड्स ऑन ऑल काइंड ऑफ प्लांट। जो कैमल है वो हमारा हर प्रकार के प्लांट्स को खा लेता है इंक्लूडिंग कैक्टस विच आर अवेलेबल इन डेजर्ट। और जो यहाँ पर जो डेजर्ट हमारा कैक्टस जो है मिलते हैं उनको भी ये अपने खाने में ले लेता है तो उसकी वजह से ये काफ़ी मतलब वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। ये कंडीशन है फोर्थ वाली। फिफ्थ कंडीशन हमारी कैमल हैज़ वन और टू हम्प्स ऑन इट्स बैक।
इसके जो कैमल है उसके एक या एक से अधिक या एक या दो इसके हम्स होते हैं बैक में। हम्स मीन्स है जैसे वो पीछे की तरफ उसके कूबड़ बोलते हैं उसको, जो उठे हुए टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं इसके। दिस हम्स स्टोर फैट्स एज रिजर्व फूड। इस ये हम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि इसका जो फूड है वो स्टोर होता है रिजर्व्ड, मीन्स एडवांस में ये अपने खाने को वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। व्हेन फूड इज अवेलेबल इट ईट इन प्लेंटी, तो ये जब इनको खाना पर्याप्त मात्रा मिलता खाना मिलता है तो ये पर्याप्त मात्रा में खा लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा खा लेते हैं। दिस द हम्प देन ग्रो, तो हम्प क्या होता है वो ग्रो करने लगता है जैसे ही ये खाना ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो वो हम्प्स क्या है वो ग्रो करता है। द फूड फ्रॉम द हम्प्स इज यूज बाई द कैमल व्हेन इट गोज विदाउट फूड फॉर मैनी डेज, तो जब ये काफ़ी लंबे समय तक अगर खाना नहीं खाता है तो हम्प्स से क्या करता है ये अपने खाने को इस्तेमाल करता रहता है काफ़ी लंबे समय तक। द हम्स देन गेट रिड्यूस, तो जो हम्स जो होता है वो क्या होता है रिड्यूस होने लगता है। मीन्स कहने का ये है कि इसके पीछे जो हम्स जो होते हैं उससे क्या उसकी उसमें क्या करता है जब ये इसको खाना मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेता है और उसमें अपने खाने को स्टोर कर लेता है। जैसे ही इसको खाना नहीं मिलता है हम्स जो है खाना खाने के बाद क्या होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं साइज में। जैसे ही इनको खाना काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिलता है तो ये खाने को उन अपने हम्स से यूज़ करते हैं, और जो हम्स है जब उसमें से खाना यूज़ होने लगता है तो वो उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस्ड होने लगता है। ये फिफ्थ वाली कंडीशन थी आपकी। सिक्स्थ है कैमल हैज़ लॉन्ग फीट टू सपोर्ट ऑन लूज सैंड, जो कैमल के जो लॉन्ग फीट जो होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं लूज सैंड में। इट टॉयस आर ब्रॉड एंड पैडेड विथ विच हेल्प टू वॉक ईजीली ऑन हॉट एंड लूज सैंड, इसके जो पैर जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं लूज सैंड में। जो इसके जो टॉयज और ब्रॉड पैडेड जो हैं इसको आसानी से हॉट और लूज सैंड में चलने में मदद करते हैं जिससे कि आसानी से चल सकता है। कैमल वॉक्स फास्ट इन डेजर्ट कंडीशन, कैमल जो है बहुत फास्ट वॉक कर सकता है डेजर्ट कंडीशन में। इट इज़ देयर फोर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इट एक्सट्रेट वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये जो यूरिन की फॉर्म में काफ़ी कम वाटर को एक्सट्रेट करता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माउंटेंस। माउंटेंस के बारे में जानते हैं। हैबिटेट्स अलोंग हिल्स एंड माउंटेंस आर वेरी ड्राई एंड रॉकी। माउंटेंस रीजन आर जनरली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। स्नो फॉल इज कॉमन ड्यूरिंग विंटर। हैबिटेट्स ऐसे हैबिटेट्स जो कि हमारे माउंटेन्स या हिल्स के साथ पास रहते हैं वेरी ड्राई एंड रॉकी होते हैं। माउंटेन्स रीजन आर जनरली वेरी कोल्ड एंड विंडी, और यहाँ के जो माउंटेन्स जो होते हैं माउंटेनियस जो होते हैं यानी माउंटेन्स वाली प्लेसेस पे रहते हैं जो वहाँ पर हमारा जो प्लेस है वो काफ़ी ठंडा रहता है और काफ़ी विंडी रहता है, मीन्स हवा ज़्यादातर बहती रहती है। स्नोफॉल इज कॉमन ड्यूरिंग विंटर, और वहाँ पे स्नोफॉल जो रहता है सर्दियों के समय में कॉमन सी बात है ये तो होता रहता है। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स रीजन लिव अंडर कोल्ड कंडीशन, ऐसे जानवर जो कि माउंटेनियस रीजन में रहते हैं मीन्स ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे माउंटेन है तो वो अपने आप को कोल्ड कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। हैंस दे वियर अ कोट ऑफ थिक फर एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट ब्लो द स्किन, इसीलिए इनकी जो ऊपर की जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है और ऊपर से उनके जो फैट है काफ़ी फैट होता है उनकी स्किन में जिसकी वजह से ये वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। दिस प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम कोल्ड, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये कोल्ड से बच पाते हैं। माउंटेनियस एनिमल आर यूजली वाइट और लाइट कलर्ड, यहाँ के माउंटेनियस एनिमल्स जितने भी आपको मिलेंगे वो सब लाइट कलर के होंगे, हल्के कलर के होंगे या वाइट कलर के होंगे। दिस हेल्प्स देम इन थर्मल रेगुलेशन, इससे क्या होता है कि ये अपने आप को थर्मल रेगुलेशन में अपने आप को थर्मल रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये थर्मल रेगुलेशन क्या है इसकी मदद से क्या करते हैं इनको जो अपने आप को वहाँ पे काफ़ी मदद करता है जैसे गर्म रखने में, और मतलब इनको कलर जो है इनका कलर जो है हल्के कलर के हैं तो काफ़ी उस कंडीशन में रहने में काफ़ी हेल्प करता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ माउंटेनियस एनिमल आर याक बियर,
हिल्स गोट ईटीसी जो कॉमन बियर कॉमन एग्जांपल है हमारे माउंटेनियस एनिमल के, जैसे याक है हमारा वो मोस्टली मिलेगा, बियर है, हिल्स गोट है, ये सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप एंड अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। और जो हमारे माउंटेनियस गोट जो होते हैं, बकरियां जो होती हैं, उनके स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं, उसकी मदद से क्या करती हैं, ये हमारी जो रॉक्स हैं उनके ऊपर आसानी से आ जा सकती हैं। याक्स हैव लॉन्ग हेयर विच हेल्प देम वार्म, और याक के पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, जिसकी मदद से क्या है, इनको गर्माहट मिलती है। स्नो लेपर्ड हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टॉयज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। और जो स्नो लेपर्ड जो होते हैं उनके पास थिक फर होती है, काफ़ी मोटी स्किन होती है, जिसकी मदद से क्या है, और इनके जो पैर में पैर भी जो होते हैं, फीट जो होते हैं, उनमें भी काफ़ी मतलब मोटे गद्दे टाइप के होते हैं, और जो कि उनको कोल्ड यानी ठंडे से उनको बचाए रखते हैं। बियर्स आर कॉमन ऑन द हिल्स हाई हिल्स, जो बियर हैं वो काफ़ी कॉमन सी बात है, इस जगह पर मिल जाएंगे, हाई हिल्स पर मिल जाएंगे। पोलर बियर, वाइट बियर, पोलर बियर मीन्स पोलर बियर जो यहीं पे मिलेंगे आपको, ठंडे प्रदेश में ही मिलेंगे, उसको वाइट बियर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फाउंड इन स्नो कवर्ड हैबिटेट ऑफ पोलर रीजन, यानी कि ये आपको केवल ठंडे प्रदेश में ही मिलेंगे, जहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी वहीं पे आपको पोलर बियर देखने को मिलेगा। पेंगुइन इन हैबिटेट्स अंटार्कटिका, और पेंगुइन जो आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा माउंटेन्स के बारे में। अभी बात करते हैं हम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है उसमें आपका क्या दिया गया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ वार्म एंड डैम्प क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है काफ़ी गर्म और डैम्प क्लाइमेट वाला है, मीन्स वहाँ की जो इन्वायरमेंट है काफ़ी डैम्प है हमारा, काफ़ी मतलब गर्म रहती है वो जगह। वाटर एंड फूड आर अवेलेबल इन प्लेंटी, और यहाँ पे जो वाटर है और फूड है काफ़ी पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल लिव हियर, और यहाँ पे बहुत सारे जो जानवर हैं रहते हैं, एलिफेंट, राइनोस, टाइगर्स, लायंस, लियोपार्ड, बियर, गोट, डियर, शीप एंड वाइल्ड कैटल्स आर लार्ज एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। मंकी, बर्ड्स, स्नैक्स, लिजार्ड, फ्रॉक्स, स्क्वायरल्स एंड रोडेंट्स आर द स्मॉल एनिमल फाउंड हियर। तो ये सब जानवर जो आपने अभी देखे ये सभी हमारे टेरेस्ट्रियल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेन फॉरेस्ट मीन्स ऐसा प्लेस जो कि इक्वेटर के पास में है, और काफ़ी गर्मी रहती है वहाँ पे, और गर्मी के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वहाँ पे साल भर काफ़ी बारिश होती है। ट्रॉपिकल फॉर आप क्लास सेवन्थ में जब जाओगे तो आपको ये टॉपिक फिर से पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे आप इसके बारे में पूरा डिटेल में जानोगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स ट्रॉपिकल सवाना, तो इसके बारे में जानते हैं। ग्रासलैंड्स मीन्स है हमारा जैसे घास वाली जो ज़मीन होती है उसको हम ग्रासलैंड्स के नाम से जानते हैं। द ट्रॉपिकल सवाना इज बायोमी कैरेक्टराइज्ड बाई टॉल ग्रास एंड स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीज। यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रासलैंड वाली जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है कि बहुत छोटे छोटे टाइप के आपके पेड़ मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे आपको, ट्रीज मिलेंगे, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो घास मिलेगी आपको काफ़ी। सवानाज आर फाउंड इन हॉट क्लाइमेट हैविंग नॉर्मल रेनफॉल। सवाना जो है आपके वो आपको हॉट क्लाइमेट में मिलेंगे, और यहाँ पे जो रेनफॉल है काफ़ी नॉर्मल होगी। ड्यूरिंग लॉन्ग रेनी सीजन बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल स्मॉल एंड लार्ज एनिमल सर्वाइव कम्फर्टेबली। और जितने भी हमारे रेनी सीजन के दौरान क्या होता है कि जितने भी हमारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और स्मॉल एंड लार्ज एनिमल हैं, वो सभी यहाँ पे आसानी से सुविधाजनक तरीके से मतलब यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ड्राई सीजन के दौरान मैनी एनिमल्स माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ वाटर। और जो ड्यूरिंग ड्राई सीजन यानी सूखे मौसम में मीन्स गर्मी के दिनों में यहाँ से बहुत सारे जो जानवर हैं वो माइग्रेट करके चले जाते हैं, मीन्स अपनी इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि पानी की खोज में, यानी जब उनको पानी चाहिए होता है तो वो दूसरी जगह पे माइग्रेट होकर चले जाते हैं। एनिमल्स फाउंड हियर आर फास्ट रनर्स, यहाँ पे जितने भी आपके जानवर पाए जाते हैं वो सब फास्ट रनर्स होते हैं। जेब्रा है, चीता है, एलिफेंट है, जिराफ है, लायन, लियोपार्ड, सीटीसी लिवियर, और ये सभी जानवर जो है यहाँ पे रहते हैं। लार्ज एनिमल्स सच एज एलिफेंट कैन टर्न फॉर
a forest into savanna by felling trees, crushing grass and tree seeding under their feet. तो बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े जो जानवर हैं, काफ़ी जैसे हमारा एलिफेंट्स है या जो भी काफ़ी लंबे जो बड़े जो टाइप के हमारे जानवर हैं, वो सब हमारे सवाना उसमें आते हैं, फॉरेस्ट में आते हैं, टर्न करते हैं. फेलिंग ट्रीज, क्रशिंग ग्रास एंड सीडलिंग अंडर देयर फीट. तो यहाँ पे आकर के ये क्या है कि उनको अपने जैसे उनके अपने फीड के लिए, अपने खाने के लिए यहाँ पे काफ़ी आसानी से इनको ये सारी चीज़ मिल जाती है. तो ये यहाँ पे आते हैं, काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े जानवर भी आते हैं यहाँ पे. तो इस टॉपिक में आपने जाना आपका टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के बारे में. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना एक्वेटिक एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे और एरियल एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, और इसी उसी के साथ हम अपना जो चैप्टर है पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम फिनिश करेंगे.